हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल CMS एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द ट्रिक्स ऑफ मेकिंग स्क्वायर्स। स्क्वायर बनाने के हमें कुछ ट्रिक्स आपको मैं बताती हूँ जो बहुत इजी हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर बनाते हैं 25 का। ज़्यादातर बच्चों को 25 का स्क्वायर तो पता ही है। 25 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। दो यूनिट प्लेस में मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 जो है उसको हम उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। सो 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। 25 का स्क्वायर क्या हुआ 625। अब मैं आपको एक और स्क्वायर बताती हूँ इसका। जैसे कि हमने अनादर नंबर लिया, दैट इज 45 स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, अगेन 5 जो है इसके लिए हमें क्या ओनली 5 का स्क्वायर ही लर्न करना है। 5 5 25, तो यूनिट प्लेस में हमारा 5 है। अगेन वी आर गोइंग टू राइट 25। 4 से हम लोग वापस से, 4 से बड़ा नंबर होता है 5। 4 5 20, तो हमारा 45 का स्क्वायर हो गया 2025। अब मैं आपको एक 3-डिजिट नंबर लेके बताती हूँ, 115। अगेन 5 का हमने लिया 25, और 11 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 2 जा 22 का 2 कैरी ओवर 11 11 प्लस 2, दैट इज 132। सो 132, सो 13,225 इज द स्क्वायर ऑफ 115। आपको मैं कुछ नंबर देती हूँ जो आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, दैट इज 75 95 35 55। ये आप लोगों का होमवर्क है। अब एक और ट्रिक आपको बताती हूँ, जिसमें कि हमारे यूनिट प्लेस पे यदि 1 नंबर हो तो हम उसके स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ 71 स्क्वायर। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला फिट करेंगे, 71 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 71 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 70 प्लस 1, वी कैन राइट दैट इज 70 प्लस 1। तो ये हमारा, इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। वॉट इज आर n? n इज अवर 70। तो n का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों को भी इतना कोई करना है। n का स्क्वायर हमें इसके लिए स्क्वायर्स भी सिर्फ 10 तक, 1 टू 9 तक के स्क्वायर्स हमें याद रखने होंगे। तो हमारा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4900। देन 2n 2 into 70, दैट इज 140 प्लस 1। अब मैं इनको ऐड करके बताती हूँ आपको, 140 प्लस 1, सो 1405 5041 इज द स्क्वायर ऑफ 71। एक और एग्जांपल, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज 26 स्क्वायर। सो वट वी हैव टू डू, इसको मैं इस तरह लिखूंगी, 25 प्लस 1। तो हमारा एन क्या है 25। सो अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इसमें मेरा एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर है 625। अब मैंने आपको 25 का 5 वाला स्क्वायर भी सिखाया है, तो आप उससे 625 निकाल लीजिए। फिर 2 into 25 किया तो हमारा आ गया 50, और प्लस 1 किया हमने तो टोटल हमारा क्या हो गया 676। सो 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। अब आपको मैं कुछ होमवर्क देती हूँ कि आप 5 से जो एंड होती हैं डिजिट्स, उनमें आप बनाएंगे 75 35 55 95 के, और जो दूसरे नंबर वो हो गया हमारे 81 36, देन 46, देन 51। आप ये सब होमवर्क में करके रखिए। इफ देयर एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन।